सपने देख लेना और सपनों को पूरा कर पाना, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। सपना अगर आप इस किनारे पर देखते हैं तो सपने का पूरा होना उस किनारे पर पहुंचने जैसा है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। ऐसे बहुत लोगों को आप जानते होंगे, ऐसे बहुत से उदाहरण आपके दिमाग में होंगे जिन्होंने सपना तो देखा और उसे पूरा भी किया। साथ ही साथ ऐसे भी लोग आपके दिमाग में जरूर होंगे जिन्होंने सपना देखा और उनका सपना सपना ही रह गया। आप कौन से वाले होना चाहते हैं? सपना देखकर सपनों में ही जीने वाले, या सपना देखकर सपने को पूरा करने वाले? ए डिसीजन आपको खुद लेना होगा। डिसीजन अगर खुद लेना है तो कोई भला सपनों में ही जीने का, सपनों को पूरा न कर पाने का डिसीजन ही क्यों लेता है? जब हर किसी के हाथ में डिसीजन है सपनों को पूरा कर पाने का भी, तो सपनों को पूरा कर पाने का डिसीजन हर कोई क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो डिसीजन मुश्किलों से भरा है। आपको कांटों भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके टेम्परेरी तकलीफ का कारण हो सकता है। कुछ समय के लिए आपको सपनों को पूरा करने वाले मार्ग में चलने में कठिनाइयों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हर किसी को करना पड़ा है। जिसने भी सपना पूरे करने वालों में अपनी जगह बनाई है, आपको भी करना पड़ेगा। आज आपने सोचा कि मुझे सपनों को पूरा करने वालों में जाना है, और कल सोच रहे हैं नहीं यार मुश्किल से भरा है, खिसक लेते हैं, जाने देते हैं, सपनों में ही जीते हैं। ऐसे बात नहीं बनने वाली। आपको डिसीजन आर पार का करना होगा, और जब डिसीजन हो गया तो उस पर चलते रहना है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग सपने पूरे करने वालों में आना चाहते होंगे, केवल ड्रीमर नहीं अचीवर बनना चाहते होंगे। तो दोस्त, अचीवर बनने का रास्ता थोड़ा मुश्किलों से भरा है। आपको कंसिस्टेंटली निरंतर हार्ड वर्क करते रहना होगा। आपने जिस भी फील्ड में सफल होने की ठानी हो, जिस भी फील्ड में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हो, उस फील्ड में निरंतर आपको एफर्ट मारते रहने होंगे। मुश्किलें आएंगी, लड़ना होगा, लड़ते रहना होगा। एक बार लड़े, गिर गए, गिरकर बैठे नहीं रहना है, फिर उठना है। यही तो मुश्किल भरा है, यही तो कांटों भरा सफर है, इसी से तो लोग हार मानते हैं। नहीं तो अगर गिरना ना होता, गिरकर उठना ना होता, तो हर कोई उसी रास्ते को चुनता जिसमें सपने पूरे होते हैं। लेकिन हर कोई उस रास्ते को नहीं चुनता, इसीलिए हर कोई सफल भी नहीं है। बड़ा ही सिंपल गणित है इस सफलता का। ज्यादा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को, बातें समझा दिया हूं, आपको समझ आ चुकी है, बस देरी है फैसला आर पार के करने की और उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की। और हमेशा की तरह मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे।